जोशीमठ में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को प्रशासन द्वारा सुरक्षित राहत शिविरों में रहने की व्यवस्था की गई है और रात में खुद राहत शिविरों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रभावित परिवारों के आजीविका से लेकर रहने खाने में हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने सभी राहत शिविरों में हेल्पलाइन नंबर चस्पा कराने के साथ ही प्रभावित लोगों तक हर प्रकार से मदद पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए और कहा कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता हो तो बताएं, किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी जाएगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसमें अभी आपदा प्रबंधन विभाग से हमें आदेश निर्गत हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद कि जो भी लोगों के घर अभी अनसेफ डिक्लेयर हुए हैं और रहने लायक नहीं बचे हैं, तो वो लोग अगर किराए पर रहना चाहते हैं कहीं पर, तो सरकार द्वारा उनको 6 माह के लिए 4,000 रुपये प्रति माह उनको एक सहायता की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। तो मेरा सभी जो प्रभावित लोग हैं उनसे अनुरोध है कि अगर कोई अगर किराए पर रह रहा है अपने खर्चे पर और उनका घर अभी आपदाग्रस्त है और भूदशा के कारण प्रभावित है, तो वो इस सहायता धनराशि का लाभ ले सकते हैं।